हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश के बड़े बड़े महानगरों से मजदूरों का पलायन जारी है। ये मजदूर इसलिए गांव लौट रहे हैं क्योंकि इनके पास काम नहीं है। लॉकडाउन की वजह से ये बेरोजगार हो चुके हैं, पैसे भी खत्म हो गए हैं और अब भूखों मरने की नौबत है। ऐसे में सबकी निगाहें सरकार की तरफ है कि वो लॉकडाउन 4 में ऐसे कौन से उपाय करती है जिससे हर हाथ को काम मिले और मजदूरों का पलायन रुके। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। लॉकडाउन 3 में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण यानी लॉकडाउन 4.0 लागू हो जाएगा। बड़ा सवाल ये है कि नए रंग रूप वाला लॉकडाउन कैसा होगा। लॉकडाउन 4.0 में नए नियम क्या होंगे, किन चीजों पर छूट मिलेगी, क्या बंद रहेगा। पीएम मोदी ने 12 मई को देश के नाम संबोधन में इसके संकेत भी दिए थे। हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। यानी प्रधानमंत्री के ऐलान के मुताबिक लॉकडाउन के चौथे चरण में कोरोना से लड़ने का संकल्प भी होगा और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने वाले जरूरी उपाय भी। अब तक राज्य सरकारों ने केंद्र को जो सुझाव भेजे हैं उनके मुताबिक लॉकडाउन 4 में यात्री रेल सेवा के और विस्तार और घरेलू यात्री उड़ानों को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की मांग की गई है। छोटे दुकानदारों और कारोबारियों को छूट देने की बात कही गई है ताकि डिमांड और सप्लाई की चेन फिर शुरू हो सके। साथ ही राज्य केंद्र से हॉटस्पॉट को परिभाषित करने का अधिकार भी चाहते हैं। माना जा रहा है कि कोरोना को लेकर सख्ती अब सिर्फ कंटेनमेंट एरिया तक ही सीमित होगी। देश में कहीं भी स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा घरों को खोलने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन कोविड-19 कंटेनमेंट एरियाज को छोड़कर दुकानों को ऑड इवन के आधार पर खोलने की मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही ई कॉमर्स कंपनियों को कंटेनमेंट जोन को छोड़कर हर जगह गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी की अनुमति मिल सकती है। दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं? क्या स्कूल खुलने चाहिए, कॉलेजेस खुलने चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलने चाहिए? अधिकतर लोगों का कहना है कि अभी नहीं खुलने चाहिए। अधिकतर लोगों का कहना था होटल अभी नहीं खुलने चाहिए, लेकिन रेस्टोरेंट खोल दीजिए, खाने की होम डिलीवरी अलाउ कर दीजिए, टेक अवे अलाउ कर दीजिए कि लोग खरीद के और वहां से चले जाएं। लेकिन इस पे लगभग लोगों की सहमति है कि अभी बार्बर की शॉप, नाई की दुकान नहीं खोलने चाहिए, उसमें काफी ज्यादा कॉन्टैक्ट होता है। कोरोना वायरस के कारण पूरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र, मुंबई, उसके उपनगरीय इलाकों और पुणे में बंद के सख्त उपाय चाहता है और किसी तरह के अंतर्राज्यीय या अंतर जिला परिवहन के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ भी राज्य की सीमाएं खोलने के विरोध में है। वहीं गुजरात प्रमुख शहरी केंद्रों में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के पक्ष में है। पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिए केरल ने रेस्तरां और होटलों को फिर से खोलने का सुझाव दिया है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में हाल ही में प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद कोविड-19 के मामलों में तेजी आई है और वे चाहते हैं कि बंद जारी रहे और लोगों की आवाजाही पर सख्ती हो। सवाल ये भी है कि लॉकडाउन 4 कितने दिनों के लिए लागू होगा। पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम और तेलंगाना ने इस सवाल पर अलग अलग सुझाव दिए हैं। कोई 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की मांग कर रहा है तो कोई 15 जून तक। अब अंतिम फैसले के लिए केंद्र सरकार गहन मंथन कर रही है जिसका ऐलान जल्द हो जाएगा।